हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल आइडिया इंदौर का में। जी हां, आपने हमारा थंबनेल तो देख ही लिया है। जी हां, आज हमने बनाया है टू व्हील और फोर व्हील वॉशिंग पंप। आपको हमारे जैसा वॉशिंग पंप बनाना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा और पंप की टेस्टिंग करके आपको आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल आइडिया इंदौर का। तो अब दोस्तों देखिए कि टू व्हील और फोर व्हील वॉशिंग पंप कैसे बनता है। वीडियो में बने रहना, हम पंप की टेस्टिंग करके भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए पंप कैसे बनता है। तो मैं आपको पंप की जानकारी देता हूँ। अभी मेरे हाथ में एक पंप है जो एग्रीकल्चर में स्प्रे पंप में यूज होने वाला पंप है। ये पंप से हम फोर व्हील और टू व्हील को कैसे मतलब के वॉशिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए ये पाइप है वो इसका इनपुट बन गया और ये पाइप है इसका आउटपुट बन गया। जो आउटपुट मतलब लाइन है उसको मैंने 15 फीट करीब मतलब लंबाई रखा है ताकि हम आसानी से फोर व्हील और टू व्हील को वॉशिंग कर सकें। इसके एंड पे एक छोटा वाला पीतल का निपल है। पीतल इसलिए यूज़ किया है कि पानी में इसको जंग ना लग सके और इस छोटे वाले मतलब में बिल्कुल छोटा सुराग है ताकि इसका प्रेशर भी बढ़िया हो सके। अब बात करता हूँ इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इनको ऑपरेट करने के लिए बीच में एक मैंने रेगुलेटर दिया है। रेगुलेटर का काम है लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों के बीच में आपको चाहिए उस हिसाब से प्रेशर सेट कर सकते हैं इनसे। अब बात करता हूँ ये AC-DC एडप्टर का। तो ये AC-DC एडप्टर का काम ये है कि यहाँ से हम 200 ये पिन से हम 230 वोल्ट AC देते हैं तो हमको आउटपुट में यहाँ पर आपको खोल के दिखा सकता हूँ यहाँ पर हमको 12 वोल्ट मिलते हैं और ये AC-DC एडप्टर 3 एम्पियर का है। तो मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी। अगर आपको ऐसा वाला पंप चाहिए खरीदना हो घर के लिए तो आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी घर पे खरीद सकते हैं। अगर आपको ऐसा वाला पंप लेने में कोई दिक्कत होती है, इसका सामान मतलब के लेने में कोई दिक्कत होती है तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर मतलब के वीडियो में दे देता हूँ ताकि आप मेरे को कमेंट कर पे कहीं बता सकते हैं कि आपको कौन सा सामान चाहिए या पंप चाहिए तो उनकी व्यवस्था मैं आपके लिए कर दूँगा। तो हम इस की ट्राई लेके आपको दिखलाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हाँ तो दोस्तों AC-DC एडप्टर का जो पिन है इसको मतलब हमने यहाँ जहाँ पे 230 AC मिलते उस जगह पे लगाया है। इसको मैं अब कर रहा हूँ ऑन। हाँ तो ये रेगुलेटर से भी ऑन ऑफ हो सकता है। अभी मैं पंप को चालू करने के लिए रेगुलेटर को कर रहा हूँ ऑन और जैसे ही मतलब कि ऑन करूँगा तो आउटपुट में पानी निकलना स्टार्ट होगा। मैं रेगुलेटर को कर रहा हूँ ऑन किया। आप देखिए अब कि ये पंप में कितना मतलब के बढ़िया प्रेशर आ रहा है। अब मैं बाइक को सर्विस करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए बाइक ऐसी। हाँ तो मैं बाइक को सर्विस कर रहा हूँ, आप देखिए कि ये बाइक सर्विस हो रही है कितना बढ़िया मतलब कि इसका प्रेशर है। मेरे अंदाज से ये 15 या 20 फुट दूर से भी मतलब कि इतना प्रेशर दे रहा है। बाइक कितनी अच्छी तरह से सर्विस हो रही है, इसमें जितनी भी गंदगी है वो सब मतलब के क्लियर करके आपको सिर्फ घर पे आप करेंगे तो ये 5 या 7 मिनट का ही काम है। तो आपको किसी भी सर्विस स्टेशन पे या कोई मैकेनिकल के पास सर्विस करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कितनी दूर से मैं अपनी बाइक को सर्विस कर रहा हूँ। ये पंप मतलब इतना ही बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि आप इससे फोर व्हील भी मतलब के
सर्विस कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा मतलब कि पानी को इनपुट में कहाँ से ले रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अभी पानी इनपुट में यहाँ से ले रहा हूँ और आपका इसका प्रेशर देखिए कि कितना इनका बढ़िया प्रेशर है। अभी मतलब आपको थोड़ा इसका हाइट के बारे में दिखाता हूँ कि कितनी हाइट पे भी ये पानी दे रहा है। तो आप देखिए, आपको अंदाज़ा होता होगा कि कितनी हाइट पे जाके ये पानी दे रहा है। मेरे अंदाज से वो दीवार है करीब 20 फुट के ऊपर है, तो ये पानी 20 फीट ऊपर तक जा रहा है। फिर से मैं नीचे आता हूँ, आपको इनको प्रेशर दिखाते हुए ये बाइक को मतलब कितनी गंदगी नीचे में निकाल दिया है, कितना मतलब अच्छा बढ़िया वर्क कर रहा है वो आप देख रहे हैं। अगर आपको हमारी चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए हम नए से नए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।